नमस्कार। एक भाई ने पदक जीतकर दूसरे भाई को समर्पित किया। जी हां, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज, मोटिवेशनल स्टोरी। आपके जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन जब अपनों का साथ हो तो आप कैसी भी डिफिकल्टी से पार हो जाओगे। चाहे हजार डिफिकल्टीज आए आपके रास्ते में, लेकिन जब अपनों का साथ हो और दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो आप दुनिया की कोई भी मुश्किल से पीट सकते हो और सफलता के झंडे गाड़ सकते हो। आज ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी अपन पढ़ेंगे कि कैसे एक भाई ने, कैसे एक माँ ने गरीबी में दिन गुजारते हुए, इतने बड़े संकट देखते हुए, एक भाई ने अपने भाई को पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। एक मां ने अपने बेटे को पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आज देखेंगे। आइए देखिए। अंचिता सेवली, अभी आपने नाम सुना होगा, 2-3 दिन से बहुत ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में पुरुषों के 73 kg वर्ग में 313 kg वजन उठाकर इन्होंने गोल्ड पदक जीता। गोल्ड पदक तो अभी हाल ही में दो जनों ने और जीता है, लेकिन इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों है? जब कोई विशेष परिस्थितियों से, जब कोई स्पेशल सरकम स्टांसेस से निकलकर बाहर आता है ना, और कुछ डिफरेंट इस दुनिया में करता है ना, तो उसकी स्टोरी सुनने लायक होती है, उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है कि वाकई में हाउ डिड ही कैन, उसने कैसे किया। यही इन्होंने किया। कोलकाता से 1 घंटे की दूरी पर धौलपुर गांव है, छोटे से गांव धौलपुर, छोटे से गांव के रहने वाले अंचिता सेवली ने अपना जीवन बहुत गरीबी में देखा। 11 साल की उम्र में इन्होंने पिता को खोया। जब ये 11 साल के थे, इनके भाई भी बड़े थे उस वक्त, ये दोनों वेट लिफ्टिंग करते थे। उनके पिता और माँ घर घर चलाते थे और दोनों वेट लिफ्टिंग करते थे। बड़ा भाई स्टेट लेवल तक भी पहुंचा वेट लिफ्टिंग में, लेकिन जब किस्मत ने पलटा कहाँ खाया देखिए आप। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खोया, अंचिता सेवली ने। भाई भी वेटलिफ्टर था, लेकिन छोटे भाई के लिए अपना सपना छोड़ा। जब बड़े भाई को लगा कि यार अगर हम दोनों वेटलिफ्टिंग करेंगे तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, तो बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए अपने सपने को त्याग दिया, अपने ड्रीम का सेक्रीफाइस किया बड़े भाई ने। दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जब वो सेक्रीफाइस आज कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड में कन्वर्ट हुआ, तब छोटे भाई ने अपना गोल्ड पदक बड़े भाई को समर्पित किया। दिस इज अ लव, ब्रदर एंड ब्रदर। वाओ, व्हाट इज दिस, वॉट इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए अपना सपना छोड़ा। छोटे भाई की अच्छी डाइट के लिए माँ ने कपड़े सिले और बड़े भाई ने मजदूरी की। कहते हैं कि जब 1 किलो मीट और 1 kg चावल चाहिए थे उनके छोटे भाई के लिए अच्छी डाइट के लिए, वेट लिफ्टिंग में कहते हैं ना अच्छी डाइट चाहिए, तो उस वक्त इनके पास पैसे नहीं थे। तो बड़े भाई ने ठेकेदारी में कई नौकरी की और माँ ने कपड़े सिले, उन पैसों से अपने छोटे भाई के लिए इन्होंने अच्छी डाइट की व्यवस्था की, अच्छी डाइट की इन्होंने प्रोवाइड कराई छोटे भाई को। और आज इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी माँ, अपने भाई, अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन किया। इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग भी इसलिए है कि
बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ये निकल कर आए, गरीबी से निकल के आए और इतनी सारी परिस्थितियों से लड़कर इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी वाकई में लोगों को प्रेरित करती है।